बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अच्छा मैंने आपको क्या बताया था अभी, मैंने ये बताया था कि जो लाइट है वो सेम मीडियम में सेम स्पीड के साथ ट्रेवल करती है, डिफरेंट मीडियम में लाइट की जो स्पीड होती है वो डिफरेंट होती है। अब हमारा जो अर्थ है, जाहिर सी बात है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है, हमारी अर्थ पे डिफरेंट लेयर की डेंसिटीज हैं, है या नहीं। तो बेटा जब डिफरेंट लेयर से लाइट पास होते हुए जाएगी तो उसकी स्पीड कम या ज़्यादा होगी, होगी या नहीं होगी, क्योंकि अलग अलग लेयर से जब लाइट पास होगी तो उसकी स्पीड कम या ज़्यादा होगी या नहीं होगी। इसकी वजह से उसकी लाइट जो एंगल है कभी कभी नॉर्मल की तरफ बेंट होगा, कभी अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंट होगा, होगा या नहीं होगा। ठीक, इतना समझ में आ गया आप लोगों को। चलो थोड़ा और डिस्कस करते हैं डिटेल में, ठीक है। अच्छा पहली बार वाला देखो केस, जब लाइट रे, केस फर्स्ट समझो, व्हेन लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, ठीक है, पहला केस ये, तो इसमें बेटा जो आई होगा हमेशा आर से बड़ा होगा, क्योंकि एंगल, ये आई क्या है, इंसिडेंट रे, और ये आर क्या है, रिफ्रेक्टेड रे, याद रखना रिफ्लेक्शन नहीं है, ठीक है। पूरा लिख दें, इंसिडेंट रे किससे बड़ी होगी, रिफ्रैक्टेड रे से, रिफ्रैक्टेड रे से। क्यों, जाहिर सी बात है कि जब लाइट रे रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रही है तो ये जो इसकी स्पीड है वो कम हो गई, कम होने से ये टुवार्ड द नॉर्मल बेंट हुई, जिसकी वजह से ये एंगल तो कम हो गया और ये एंगल बढ़ गया। आई बात समझ में। और केस टू क्या हो जाएगा, तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, देखो पहले वाले का डायग्राम बना दे रहे, ये ऐसी आई लाइट रे ऐसी थी, ठीक है, ये नॉर्मल है, ठीक है, ये नॉर्मल है, हल्की सी ऐसी बनेगी, ठीक है, क्लियर हो गया। या थोड़ा और डिटेल में बना दें, ऐसी लाइट रे आ रही थी, ये क्या है आई आई, और ये आर चली गई, ठीक है, जिससे कि जो आई है वो किससे बड़ा हो गया, आर से, क्लियर हो गया। ये फिगर फर्स्ट है। अब फिगर टू कैसे होगा, यहां पे लिख दें, इधर बना दे, ये वाला डायग्राम रफ कर दे, समझ में आ रहा या नहीं आ रहा। देखो अब सेकंड वाला केस, सेकंड वाला देखते हैं कि व्हेन लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें जो आर है वो किससे बड़ा होगा, आई से, समझ में आ गया। मतलब रिफ्रैक्टेड रे किससे बड़ी होगी, इंसिडेंट रे से। डायग्राम कैसे होगा, डायग्राम क्या था, ये नॉर्मल था, ठीक है, ये आई है इंसिडेंट रे, और ये क्या हो जाएगा, आर, समझ में आ गया, क्योंकि ये रेयरर मीडियम है, ये क्या हो जाएगा, सॉरी ये डेंसर हो जाएगा आपकी बार ऊपर, और ये हो जाएगा रेयरर मीडियम। हम समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है, जब लाइट रे डेंसर मीडियम में से रेयरर मीडियम में जाएगी तो जो आर होगा वो किससे बड़ा होगा, इंसिडेंट रे से। रिफ्रैक्शन हो किस कारण से रहा है, ये दोनों अलग अलग केस कैसे आ रहे हैं, सीधा सा कहोगे कि जब लाइट है डिफरेंट मीडियम में जो लाइट की स्पीड होती है वो डिफरेंट होती है, समझ में आया, क्योंकि हमारी अर्थ जो है वो डिफरेंट लेयर ऑफ डेंसिटीज से बनी है, तो हर लेयर पे जब लाइट टकराती हुई जाएगी तो उसकी स्पीड कम या ज्यादा होगी, समझ में आ गया।